हरियाणा में मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच तमाम दिग्गजों ने वोट डाले हैं, मुख्यमंत्री ने भी वोट डाला। देखिए उसी को लेकर तमाम अपडेट आपको देंगे और सूर्य समाचार से भी खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। एक्सक्लूसिव बातचीत सूर्य समाचार से की गई क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जो उत्साह है, लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें तमाम दिग्गजों के खास संदेश अपने मतदाताओं के लिए, अपने वोटर्स के लिए भी है। सूर्य समाचार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, मतदान किया, मतदान के बाद मुख्यमंत्री का पहला इंटरव्यू सूर्य समाचार पर। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा भी अपने पैतृक गांव के अंदर वोट डाला गया और आज खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो करनाल विधानसभा उपचुनाव के अंदर हर पंडाल पर जो है वो दौरा कर रहे हैं और लगातार स्थिति का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। सर, कैसा माहौल जो है वो नजर आ रहा है, स्थिति का आप लगातार जायजा ले रहे हैं? देखिए, एक तरफा माहौल मोदी का है, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है और लोग मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करते हुए बड़ा लोगों का वोट मोदी जी को जा रहा है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है हरियाणा की 10 लोकसभा, करनाल की एक विधानसभा बहुत बड़े मार्जिन से आज कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेज रहे हैं लोग, एक तरफा वोट। सर, करनाल का जिक्र करें तो करनाल के नागरिकों के ऊपर जो है वो दोहरी जिम्मेवारी है, लोकसभा की भी जिम्मेवारी है, विधानसभा की भी जिम्मेवारी है। किस तरीके से देखते हैं आप करनाल के पहर पंडाल के अंदर जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति जो है वो नजर आ रही है, बूथ इंचार्ज से आप बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, एक उत्साह है सभी में, जोश है और घर घर से एक एक वोट पोल करवा रहे हैं, निकाल करके एक वोट ना छूटे। 55-53% के करीब जिस बूथ के ऊपर मैं बैठा हूँ अब तक वोट पोल हो गया और कार्यकर्ताओं का जोश इतना है कि हम इसको 80% से ऊपर ले जाएंगे। ये जबरदस्त एक माहौल जो है, कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, आम लोगों के अंदर भी जो जोश है। मैं अपील भी करूंगा कि हम सब इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए राष्ट्र की मजबूती के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, किसान के हित में मजबूत उनको लाभ पहुंचाने का काम, सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त किया है, युवाओं के अंदर विश्वास जगाने का काम इन 10 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है और यही कारण है कि हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। सर, आप ही के अपने गृह जिले के अंदर अगर यदि जिक्र करें तो खासतौर पर नारायणगढ़ का जिक्र करें तो वहाँ पर सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज जो रहा है, पूरे अम्बाला लोकसभा का जिक्र करें सब सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज नारायणगढ़ का रहा, किस तरीके से देखते हैं? और पूरा का पूरा लबोलबाब यदि हम जिक्र करें तो कांग्रेस को कहाँ पर आंकते हैं, बहुत सारे मुद्दे वो गिनाते हैं, चाहे PPP का जिक्र कर लें, किसानों के मुद्दे का जिक्र कर लें या फिर राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र कर लें, वो लगातार घेरती हुई नजर आती है। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने जो भी मोदी जी ने योजना बनाई है लोगों के हित में बनाई है उसी का विरोध किया है। अरे कोई तो ठीक होगी, मान लिया जा मोदी जी ने 150 योजनाएं देश के लोगों के लिए दी, एक तो ठीक होगी, एक की भी प्रशंसा कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस दरअसल खत्म हो चुकी है, कांग्रेस अब नीचे से जनविश्वास खो चुकी है और कांग्रेस एक ढांचा खड़ा है और वो ढांचा भी भ्रष्टाचार के उसमें जर्जर हालत में है। आप देखना 2029 का जब लोकसभा चुनाव आएगा वो ढांचा भी गिर जाएगा, कांग्रेस दिखाई नहीं देगी कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण। कांग्रेस ने देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, उनको विकास से पीछे धकेल करके रखा, लाइन में खड़े करके रखा, इतना कांग्रेस ने अपने शासन के अंदर अत्याचार लोगों के ऊपर किए। मोदी जी ने आकर के हर व्यक्ति का जीवन सरल और सुगम करने का काम किया है और मैं पूरे हरियाणा के अंदर घूमा हूँ, लोगों का एक बड़ा उत्साह अलग देखने को मिलता है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें आ रही हैं, बड़े मार्जिन के साथ आ रही हैं, जो पिछला मार्जिन है 2019 का वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है 2019। 4 तारीख को 400 पार क्या रहेगा? बिल्कुल, ये तो देश बोल रहा है, ये देश बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। अगर यहाँ आप जिससे भी पूछेंगे वो 400 पार की बात करेगा। जब हर नागरिक, हर बच्चा 400 पार की बात कर रहा है तो कांग्रेस कहीं विपक्ष में नहीं। मैंने कहा है कि कांग्रेस अपना जनविश्वास खो चुकी है, कांग्रेस एक ढांचे के रूप में खड़ी है, वो भी भ्रष्टाचार का जो ढांचा है वो कमजोर ढांचा है, भ्रष्टाचार के ढांचे के ऊपर वो खड़ी है और वो भी गिर जाएगा
अपने उसके अंदर गिर जाएगा और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो लगातार करनाल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी पंडाल जो हैं वो लगाए गए हैं वहाँ पर पहुंचकर बूथ इंचार्ज से जो है वो स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं और काफ़ी अस्वस्थ जो हैं वो दिखाई दिए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट घोषित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार से जो है वो करने जा रही है। करनाल से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।